ये मेरा बेरा सफाई का वीडियो है। जो लोग पेंटिंग का काम करते हैं, ट्रक गाड़ी साइनबोर्ड लिखा करते हैं, वो लोग का ब्रश 2-3 महीने में ही खराब हो जाती है, फिर लिख नहीं पाता। ब्रश बहुत महंगा होते हैं, इसलिए सफाई बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये ब्रश इतना महंगा दाम है, 400-500 रुपए करके दाम है, बार बार खरीदने में दिक्कत होती है। इसलिए दोस्तों बेरा सफाई ज़रूरी है। काम के बाद आपको जब फ्री टाइम मिले तो भी उसी टाइम में आप लोग बेरा साफ कीजिए। हम बेरा सफाई का थोड़ा सिंपल दिख रहा है, आप थोड़ा देखिए, देखने से किसी को भी थोड़ा समझ आ जाएगा बेरा सफाई का तरीका। तो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इतना साल से पेंट का काम कर रहा हूँ। दोस्तों ब्रश 2-3 महीने में ख़राब हो जाती है। ब्रश को सही तरह से सफाई करने से आप 1 साल तक भी काम कर सकते हो। एक ब्रश से कोई कोई 2 साल भी काम करता है। हम 1 साल हमारा ब्रश जाता ही नहीं, 2-3 महीने में ख़त्म। दोस्तों ब्रश में ज़्यादातर तो थिनर देने से ब्रश का ख़राब हो जाता है, उड़ जाता है। इसलिए ब्रश को थिनर थोड़ा लगा के तुरंत तेल से धो देना चाहिए, नहीं तो ब्रश का वो लॉन्ग उड़ जाएगा। इसलिए ब्रश ज़्यादा से तारपीन से साफ कीजिए। जब ब्रश हार्ड हो जाएगा, लिखाई नहीं जाएगा, तो भी थोड़ा थिनर डाल लीजिए। इसके सिवा थिनर से ब्रश ख़राब हो जाते हैं, उसका जो डेंड्रिट है वो अंदर से खत्म हो जाएगा, ब्रश का लोम उखड़ने लगेगा। दोस्तों ये हमारा थिनर है, ये थिनर थोड़ा सा दीजिए, जब ब्रश हार्ड हो जाएगा, लिखा ही नहीं जाता है, तो इसे तारपीन दीजिए, तारपीन सबसे बेस्ट है। दोस्तों देखिए हमारा सफाई का वीडियो, फिर
होने के बाद आप थोड़ा तारपीन डाल दीजिए, उसके बाद ब्रश ऊपर से भिजा दीजिए। ऐसे रखने से आपका ब्रश बहुत अच्छा तरह से रहेगा, लिखने में सुंदर होगा, लिखा भी अच्छा होगा, ब्रश भी सलामत रहेगा। थोड़ा संभाल के रखिए, आपका सामान आपका साथ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, धन्यवाद। Thank you.